सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कुछ लोगों को गलत फहमी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है उन्होंने दिल्ली के अंदर महिलाओं को जो फ्री सफ़र करने की जो ऑफर दी है, जो फ्री सफ़र करने की जो स्कीम निकाली है डीटीसी बसों में और मेट्रो में, उससे मेट्रो को और डीटीसी इनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस स्कीम को आप ठीक से समझिए। जो भी महिलाएं डीटीसी या मेट्रो के अंदर सफ़र करेंगी, अगर वो एक स्टेशन से बैठती है और वाई स्टेशन पे उतरती है और वहाँ जाने के लिए उन्हें अगर 10 रुपये का खर्चा होता है तो वो 10 रुपये जो है वो दिल्ली सरकार मेट्रो को दे देगी। तो इसमें मेट्रो का कौन सा नुकसान हो रहा है? मेट्रो को कुछ 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा इसके अंदर मेट्रो को फ़ायदा ही होने वाला है। आज मेट्रो से 70% पुरुष और 30% महिलाएँ सफ़र करती है। अगर वो 30% से महिलाओं की संख्या अगर और 20% बढ़ती है और 50% होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेट्रो से सफ़र करते हैं तो इसमें तो मेट्रो का फ़ायदा ही होगा ना। और मेट्रो को 1 रुपया भी किसी को कुछ सहूलत देनी नहीं है, जो भी हो उनका जो किराया लग रहा है वो पूरा किराया दिल्ली सरकार मेट्रो को देने वाली है। तो इसमें मेट्रो का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है, इससे मेट्रो का बल्कि फ़ायदा ही होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर महिलाएं पब्लिक प्लेसेस में रहेंगी, मेट्रो में रहेंगी, बसेस में रहेंगी तो महिलाएं काफ़ी सिक्योर महसूस करेंगी, उससे महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।